हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वेलकम टू द पार्ट 7 ऑफ चैप्टर 3, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, पीरियडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। इस चैप्टर में अब तक हम क्लासिफिकेशन तो कंप्लीट कर चुके हैं और प्रॉपर्टीज के ऊपर हम चल रहे हैं, जिसमें हम एटॉमिक साइज कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम अब आयनिक साइज की तरफ हम चल रहे थे। आयनिक साइज में हमने कैटायन और एनायन के जो साइज होते हैं उनके पेरेंट एटम से डिफरेंट होते हैं और क्यों होते हैं, ये सारी चीजें हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं, दैट इज पार्ट 6। तो अगर आपने पार्ट 6 नहीं देखा है तो पहले आप उस पार्ट 6 को देख लीजिए, ताकि आपको यहाँ पर जो पार्ट 7 के अंदर होने वाला है वो अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो हम बात करेंगे आयनिक रेडियाई इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसेस। ओके, तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसेस क्या होते हैं? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द स्पेसेस विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट एटॉमिक मास एंड नंबर, ठीक है, जिनके एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, ऐसे स्पेसेस को क्या बोलते हैं हम? आइसोइलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। इसमें एटम्स एंड आयंस बोथ हो सकते हैं, जैसे Ne जो है वो किसके साथ आइसोइलेक्ट्रॉनिक है? Na पॉजिटिव के साथ है, ठीक है, Na पॉजिटिव हो गया, Mg2 पॉजिटिव हो गया, Al3 पॉजिटिव हो गया, ठीक है। ये सभी में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 है, इसमें 11 होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके इसने पॉजिटिव चार्ज बनाया, इसने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए तो इसके पास भी 10 रह गए, इसने तीन इलेक्ट्रॉन लूज किए तो इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। प्रोटॉन इसमें कितने हैं? 10, 11, 12 एंड 13, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसेस में जो साइज है वो इस तरीके से डिक्रीज हो जाता है। ये साइज डिक्रीज क्यों होता है? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ जाते हैं, जैसे हम Ne से Al3 पॉजिटिव की तरफ जाते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होते हैं तो क्या हो जाता है? अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या आप कह सकते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस एज इट हैज मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस, सो दे विल बी, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा, कॉन्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। दैट्स व्हाई Al3 पॉजिटिव हैव द स्मॉलेस्ट साइज एंड Ne विल हैव द लार्जेस्ट साइज, ठीक है। जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होते हैं उसका साइज उतना ही कम होगा फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसेस। तो आप लिखेंगे फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसेस विच हैव मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल हैव लोवेस्ट साइज, ठीक है। तो फोर आप लिख सकते हैं साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन आइसोइलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। जैसे आपको एक, मैं यहां पर क्वेश्चन देता हूं, आपको इन्होंने दे रखा है Mg2 पॉजिटिव एंड Al एंड Al3 पॉजिटिव। जब इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आता है, इनमें आपको बताना है लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, ठीक है। कैसे बताएंगे? तो जिनके ऊपर चार्जेस नहीं है पहले उनको कर लेते हैं। तो ये आता है MgAl, दैट इज थर्ड पीरियड। तो यहां पर इधर की तरफ क्या होता है? साइज डिक्रीज होता है, तो ये हो गया, इनमें इन दोनों में ये बड़ा हो गया। अब Mg और Mg2 पॉजिटिव से ये बड़ा हो गया, ठीक है, और Mg2 पॉजिटिव से ये Al3 पॉजिटिव बड़ा हो गया, ठीक है भाई। अब ये ऑलरेडी इससे बड़ा है तो आप कह सकते हैं कि Mg जो है वो किससे बड़ा है? Mg से, और ये
ये किससे बड़ा होगा, ये बड़ा होगा Mg2 पॉजिटिव किससे बड़ा होगा, Al3 पॉजिटिव से, क्योंकि यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है और 12 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है लेकिन 13 प्रोटॉन है, तो इसका साइज, और ठीक है भाई, और Al Al क्योंकि यहाँ पर 13 प्रोटॉन है 13 इलेक्ट्रॉन है, तो पर इलेक्ट्रॉन जो साइज है वो इसका बड़ा हो गया, तो इसमें लार्जेस्ट जो हो गया वो Mg हो गया और स्मॉलेस्ट जो हो गया वो Al3 पॉजिटिव हो गया। तो ये आपको देखना है कि वहां पर आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो देखना होता है, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, उसका जो साइज है वो उतना ही कम हो जाता है, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक के लिए आपको समझ में आ गया किस तरीके से हम कर सकते हैं। आइसोइलेक्ट्रॉनिक में बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना होता, सिर्फ आपको क्या देखने होते हैं, प्रोटॉन्स देखने होते हैं जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा होते हैं। जैसे आपके पास क्या है, Cl नेगेटिव है एंड आर्गन है, ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन कितने है इसमें 17, इसमें 18 18 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें कम है, तो Cl नेगेटिव विल बी लार्जर देन Ar, ठीक है, Ar से ज्यादा ग्रेटर साइज होगा Cl नेगेटिव का, बिकॉज इट हैज लेस नंबर ऑफ प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये मतलब सिंपल कंसेप्ट ये है कि भाई आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस के लिए आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने कम होंगे उसका साइज उतना ही ज्यादा होगा, और नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने ज्यादा होंगे उसका साइज उतना ही कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा एटॉमिक साइज वाला पोर्शन था वो कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने कोवलेंट रेडियाई, मेटलिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। आयनिक रेडियाई का जो वेरिएशन होता है वो एटॉमिक रेडियाई के वेरिएशन के बराबर होता है ग्रुप्स में और पीरियड में, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द आयनाइजेशन इंथैल्पी, ठीक है। आयनाइजेशन इंथैल्पी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपको आगे तक आएगी, 12th क्लास में भी आएगी और 11th में अदर चैप्टर्स में भी आती है, ठीक है, जब हम इसमें बॉर्न हार्बर साइकिल करेंगे उसमें भी आती है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है। देखो आयनाइजेशन इंथैल्पी एक नेक्स्ट टर्म होती है, और हर एक एलिमेंट की जो आयनाइजेशन इंथैल्पी होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है, किन्हीं भी दो एलिमेंट की जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है वो सेम नहीं हो सकती। तो पहले हम आयनाइजेशन इंथैल्पी के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर सक्सेसिव आयनाइजेशन इंथैल्पी पढ़ेंगे, और फिर उसका वेरिएशन पढ़ेंगे, ठीक है। इसके वेरिएशन में कुछ एक्सेप्शन आते हैं, जो एक्सेप्शन इसके किसकी वजह से अराइज होते हैं, वो अराइज होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन की वजह से, ठीक है। तो हम बात करते हैं आयनाइजेशन इंथैल्पी, कहीं कहीं पे ये एनर्जी भी लिखा हुआ मिलता है, तो ये इंथैल्पी क्यों बोला गया है, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। इंथैल्पी का मतलब होता है कि जो हीट चेंज है वो हमने कांस्टेंट प्रेशर, कौन सा कांस्टेंट प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे ऊपर है एटमॉस्फेयर, उसकी वजह से प्रेशर लग रहा है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि भी जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हम कर रहे हैं लेबोरेटरी के अंदर वो उस प्रेशर के अंडर कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको इंथैल्पी बोला गया है। तो इसमें क्या बोला जाता है, इसमें बोला जाता है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाता है, आयनाइजेशन इंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड, ठीक है, एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पेसेस आर फॉर्म्ड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें आप कहेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, वो लूजली बाउंड होता है, तो आउटर मोस्ट सेल के एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है फ्रॉम इट्स आइसोलेटेड गैसेस आइटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आप लिखेंगे द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड
रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, अब यहां पर ये आइसोलेटेड गैसेस एटम और ग्राउंड स्टेट दो वर्ड आए हैं। आइसोलेटेड गैसेस एटम का मतलब है कि जो मेटल है वो गैसेस फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, यहां पर जो हीट चेंज होता है उसको डेल्टा आई से भी डिनोट करते हैं या आई ई से करते हैं। ठीक है, इट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि ये हमने रिक्वायर्ड की है सराउंडिंग से, और किलो जूल पर मोल में इसकी डेफिनेशन, किलो जूल पर मोल इसकी क्या होती है, यूनिट होती है, जूल पर मोल में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि भाई आइसोलेटेड गैसेस एटम का मतलब है कि जो भी कंपाउंड है, जो भी मेटल है जिससे हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, वो क्या होनी चाहिए, गैसेस फॉर्म में होना चाहिए, और जो एटम है वो आइसोलेटेड होना चाहिए, मतलब एक अलग एटम होना चाहिए। दूसरा, वो अपनी ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में होना चाहिए। तो हमें क्या है, वहां पर आपको एक्यूरेट क्या मिल जाएगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी मिलेगी। ठीक है, जब वो अपनी ग्राउंड स्टेट में होता है, लोअर एनर्जी स्टेट में होता है, तो वहां पर आप क्या करते हैं, थोड़ी सी एनर्जी में ही इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेते हैं। और इसमें जैसे ये आपके पास क्या है, न्यूक्लियस है और ये सेल है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, आप इसको क्या देंगे, एनर्जी देंगे, देन इट विल रिमूव्ड। ठीक है, जैसे आप इसको एनर्जी देते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो इस जो आउटरमोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन को ही क्यों रिमूव कर रहे हैं, बिकॉज इट इज लूजली बाउंड। ये लूजली बाउंड होता है क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है न्यूक्लियस की वजह से वो बहुत कम लगता है। ठीक है, तो इसलिए हम कौन सा इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, आउटरमोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं। ठीक है भाई, तो ये आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं हम यहाँ से इसको, जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो इसको बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, और जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा इट इज कॉल्ड IE2। IE2 मतलब सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, यहां पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी और सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, इन दोनों की वैल्यू में डिफरेंट होता है, और इन डिफरेंस होता है, और ये जो डिफरेंस होता है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये जो एटम हमने लिया है, आइसोलेटेड गैसेस एटम जो हमने लिया है उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे कुछ फैक्टर्स की जिनके ऊपर आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, डिपेंड करती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं किन किन फैक्टर्स के ऊपर आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है, डिपेंड करती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है और कैसे करती है, ये हमें देखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है वो आइसोलेटेड गैसेस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट एंड द आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऑफ द आउटरमोस्ट सेल, आउटरमोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन क्यों रिमूव होता है, बिकॉज इट इज लूजली बाउंड एंड इट कैन बी रिमूव्ड बाय मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो जैसे कि हमने आपको चैप्टर वन में बताया था कि भाई किस इलेक्ट्रॉन को, जिस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी वो उतना ही ज्यादा स्टेबल फॉर्म में होता है, या उसकी जो उस सेल की एनर्जी उतनी ही ज्यादा होती है। ठीक है, तो हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो इसमें कौन कौन से हैं, फर्स्ट है आपका साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ द एटम, सेकंड कौन सा है, सेकंड है चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। ठीक है, थर्ड वन, थर्ड
थर्ड वन कौन सा है इसमें, स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ, स्क्रीनिंग इफेक्ट देख लेंगे। फोर्थ है इसमें आपका, फोर्थ वन इज पेनिट्रेशन पावर, फिफ्थ वन इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ओके, तो ये सारे इफेक्ट जो होते हैं ये आयनाइजेशन इंथैल्पी को क्या करते हैं, गवर्न करते हैं या अफेक्ट करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे साइज ऑफ एटम। जो आयनाइजेशन इंथैल्पी होती है इट इज इनवर्सली अपॉन द साइज ऑफ एटम, ठीक है, क्योंकि एज द साइज इंक्रीजेस द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, सो इट कैन बी इजिली रिमूव्ड, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि भाई जो आयनाइजेशन इंथैल्पी होती है वो साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जो एटम का साइज जैसे जैसे बढ़ता है आयनाइजेशन इंथैल्पी वैसे वैसे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, क्योंकि जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंड हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा होगी, इट इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो चार्ज ऑन द न्यूक्लियस के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब ये है कि क्या होता है, यहाँ पर जैसे आपके पास क्या है, एन ही है और एन ए पॉजिटिव है, ठीक है। एन ए पॉजिटिव के अंदर कितने प्रोटोन है, इसमें 10 है और इसमें 11 है। तो यहाँ पर जो प्रोटोन है वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस को चार्ज देते हैं, क्योंकि प्रोटोन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो यहाँ पर न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है वो ज्यादा है, तो न्यूक्लियस के ऊपर जितना चार्ज होगा उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा होगी। इसलिए एन ए पॉजिटिव की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो एन ई से ज्यादा होती है, ठीक है। इस तरीके से आप बता सकते हैं, इसमें Mg2 पॉजिटिव की जो है वो ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि वहां पर 12 हो गया चार्ज। जैसे जैसे चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इंक्रीज होता चला जाता है, द अट्रैक्शन, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, ठीक है। एज द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इंक्रीजेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस एंड इट विल रिक्वायर वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल, ठीक है। तो जितनी ज्यादा एनर्जी जरूरत पड़ी मतलब उतनी ही ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो गई, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में हमने आपको चैप्टर सेकेंड में बताया था, क्या होता है कि जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, स्क्रीन करते हैं। मतलब उनमें क्या हो जाता है, जैसे आप ये समझ लो कि ये न्यूक्लियस है, ये अंदर सेल है और ये एक आउटर मोस्ट सेल है, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, रिपल्सन हो जाता है। इस रिपल्सन की वजह से जो आउटर मोस्ट सेल है इसके ऊपर जो नेट चार्ज लगेगा वो इस वाले से कम लगता है, क्योंकि इन्होंने इसको स्क्रीन कर दिया इस रिपल्सन की वजह से, ठीक है। तो जो स्क्रीनिंग होता है इट इज द रिपल्सन ऑफ द इनर सेल एंड द आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन ड्यू टू विच द नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस बाय द आउटर मोस्ट सेल इज स्मॉलर, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जो जेड इफेक्टिव होता है इट इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा,
ये सिग्मा क्या होता है, इट इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ठीक है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ही कम होगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना कम होगा उसका साइज उतना ही ज्यादा होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी 1/ स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा साइज उतना ही बड़ा होगा, और साइज बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाती है, बिकॉज स्क्रीनिंग इफेक्ट डिक्रीज द नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस बाय द आउटर मोस्ट साइड इलेक्ट्रॉन एंड द इलेक्ट्रॉन इजिली कैन बी इजिली रिमूव्ड बिकॉज इट विल एक्सपीरियंस लेस पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ही कम हो जाएगा, और साइज उतना बढ़ जाएगा, और साइज बढ़ जाएगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द पार्ट सॉरी फोर्थ इफेक्ट्स। फोर्थ इफेक्ट में क्या है, फोर्थ इफेक्ट में हम बताएंगे कि जो पेनिट्रेशन पावर होती है, पेनिट्रेशन पावर का मतलब होता है कि वो कितनी क्लोजली जो इलेक्ट्रॉन है सेल के अंदर वो न्यूक्लियस के कितनी क्लोज है, कितने अंदर पेनिट्रेट कर रहा है, मतलब कितनी स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड है टुवर्ड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि वो किस सब सेल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपको पता है कि भाई जो पेनिट्रेशन का जो क्या होता है, पेनिट्रेशन पावर का जो क्या होता है, क्या होता है भाई, फॉर सेम सेल अगर आपको क्या दिया हुआ है, सेम सेल दी हुई है, तो उसमें सब सेल के अंदर क्या होता है, पेनिट्रेशन पावर डिफरेंट होती है। ठीक है, पेनिट्रेशन पावर का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है उसको अभी हम देखते हैं। ठीक है, कैसे अभी देखते हैं यहाँ पर। हाँ भाई, हम बात कर रहे हैं फोर्थ, दैट इज पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर का मतलब होता है कि हाउ हाउ स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड विद न्यूक्लियस। ठीक है, फॉर सेम सेल पेनिट्रेशन पावर ऑर्डर इज गिवन एज फॉलोज, एस पी डी एंड एफ। ठीक है, और स्क्रीनिंग इफेक्ट का भी ऑर्डर यही होता है कि एस के इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्क्रीन करते हैं, ठीक है, पी के उससे ज्यादा करते हैं, और फिर डी के करते हैं, और लास्ट एफ के। तो एफ ऑर्बिटल का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और साइज डिक्रीज हो जाता है, साइज डिक्रीज हो जाता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो जितना ज्यादा न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन होता है वो उतनी ही ज्यादा पेनिट्रेशन पावर होती है। तो जो एस सब सेल होता है वो सबसे पास होता है, और जो पी होता है फिर उससे दूर, डी उससे दूर, और एफ उससे दूर। तो अगर हम क्या करते हैं, पेनिट्रेशन पावर अगर किसी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा है, अगर वो एस से निकाला जाता है, ठीक है, देन पेनिट्रेशन पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, पेनिट्रेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। पेनिट्रेशन पावर जितनी ज्यादा होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है इलेक्ट्रॉन की वो उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन एस से निकाला जाता है तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, अगर इलेक्ट्रॉन एफ से निकाला जाता है तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी,
कम हो जाएगी। लेकिन ये ऑर्डर कब फॉलो होता है? ये ऑर्डर तभी फॉलो होता है जब आपके पास जो सेल है वो सेम सेल है, ठीक है? ठीक है, आया समझ में कि अगर हम एक एस सब सेल से और एफ सब सेल से दे रखा है तो किसमें आपको एनर्जी ज्यादा जरूरत पड़ेगी? एस सब सेल से, क्योंकि इसकी पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने बताया था कि जो हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है? तो बहुत ज्यादा स्टेबल होने की वजह से, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम ये बताएंगे कि भाई जिन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? ज्यादा होती है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि भाई किस एलिमेंट का, जैसे कि हमने आपको 30 एलिमेंट्स के आयनाइजेशन क्या कराए हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराया है, ठीक है? तो फर्स्ट फिफ्थ आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है इज ग्रेटर फॉर हाफ या फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है? अगर किसी एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन है वो हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड आता है देन इट्स आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी वेरी हाई, ठीक है? जैसे यहाँ पर हम देखते हैं नोबल गैसेस, अगर आपसे पूछा जाए कि हर एक पीरियड के अंदर जो नोबल गैसेस होती है वो अपने पीरियड में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी शो करती है, बिकॉज दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड रिक्वायर्ड वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो एनी, जैसे अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, थर्ड पीरियड की, जो एनी होगा उसकी सबसे ज्यादा होगी थर्ड पीरियड में। क्यों? क्योंकि उसका जो आउटर आप देखेंगे वो आएगा 1s2, 2s2, 2p6, तो ये फुल्ली फिल्ड हो गया। तो फुल्ली फिल्ड हो गया तो जिसमें इलेक्ट्रॉन फुल्ली फिल्ड होते हैं उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो ये ज्यादा स्टेबल होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्गली बाउंड होता है। इन फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, स्ट्रॉन्गली बाउंड होता है विद द न्यूक्लियस एंड इट विल रिक्वायर वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। दैट्स व्हाई नोबल गैसेस हैव द हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड्स, ठीक है? अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में उनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है सबसे ज्यादा होती है। अगर किसी में क्या आता है, हाफ फिल्ड आ जाता है, जैसे एन की बात करें इसमें क्या आता है, 1s2, 2s2, 2p3, तो P3 में क्या होता है इस तरीके से, तो ये क्या है, हाफ फील्ड है, ये हाफ फील्ड हो गया। तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होने की वजह से क्या होगा, तो ये जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है ये क्या होंगे, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड रहेंगे टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, ठीक है? एंड इट विल रिक्वायर लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। दैट्स व्हाई द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स द एलिमेंट्स विच हैव हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स आर हैव लार्जर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन द एलिमेंट्स दे डोंट हैव फुल्ली फील्ड और हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है? तो इसी में इस वेरिएशन को यूज करते हुए हम आपको वेरिएशन इन ग्रुप्स एंड पीरियड बताएंगे। लेकिन आज जो हमने बताया है आज सिर्फ इतना ही बताएंगे फैक्टर्स तक, ठीक है? वेरिएशन और सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर बात करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरीके से वीडियोस मिलती रहे, ठीक है। और अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए एंड कीप स्टडिंग, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। ओके, थैंक यू।